हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय स्वामी नारायण ऑल ऑफ यू. वेलकम टू क्लास 3 इन आत्मीय ग्रीन स्कूल. माय नेम इज प्राजक्ता एंड आई एम मैथ्स टीचर. नाउ लेट्स वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 10 टाइम. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर टूडेज टॉपिक, फर्स्ट वी विल सी व्हाट यू हैड लर्न आवर लास्ट क्लास. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन योर टेक्स्ट बुक. वी विल सी व्हाट यू हैड लर्न इन दिस लेसन इन आवर लास्ट क्लास. So this is the lesson number 10 time. So first we had learned that here giving the some image, that image we are putting the time of the what they are doing the works. So look at here, I leave school from home. So in this image we are putting the timing. Okay, हमने क्या किया था यहाँ पे, timing put किया था clock में, कितने बजे school से leave होते हैं. तो यहाँ पे मैंने 2 o'clock को फिट किया था, फिल कर दिया था. ठीक है, देन आफ्टर वी हैड लर्न द आवर्स एंड मिनट्स. आवर्स एंड मिनट्स मीन्स 1 hour इक्वल टू 60 minutes, 1 minute इक्वल टू 60 seconds. सो दैट स्मॉल हैंड इज कॉल्ड द आवर्स हैंड एंड दैट बिग हैंड इज कॉल्ड द मिनट्स हैंड. एंड अगेन वन हैंड इज प्रेजेंट इन द सम क्लॉक, दैट हैंड इज कॉल्ड द सेकंड हैंड. 1 hour, जब 1 hour होता है तब कितने मिनट्स होते हैं, 60 minutes होते हैं. मतलब इसमें ये जो छोटे छोटे लाइन्स दिख रही है वो पूरे लाइन कितने हैं, 60 lines है. कितने लाइन्स है, 60 lines है. मतलब ये जो हमारा मिनट वाला हैंड से वो 1 round कंप्लीट करता है. क्या होता है, 1 round कंप्लीट करता है. मतलब 60 minutes कंप्लीट करते हैं. वन यहाँ पे जो 1 line दी है वो 1 line कितने मिनट्स की है, 1 minute की है. ऐसे वो 60 मिनट तक ये लाइन क्रॉस करता है तब होता है 1 hour. मतलब 10 o'clock बजे है तो 11 o'clock के लिए मिनट वाले हैंड को पूरा एक राउंड कंप्लीट करना पड़ेगा. वो लगता है उनको 60 मिनट लगता है और उसके बाद 11 बजे के, इसलिए बोलते हैं कि 1 hour इक्वल टू 60 मिनट. एंड ये जो सेकंड वाला हैंड होता है, ये जो 1 round कंप्लीट करता है, सेकंड वाला राउंड 1 round कंप्लीट करता है. अभी यहाँ पे देखो, ये जो मिनट वाला हैंड कहाँ पे है, 12 पे है. तो अभी ये 12 से इसको 1 पे जाने के लिए, 12 के बाद ये क्या है, 1 है, ये 5 है, 1 है, लेकिन यहाँ पे 5 है. तो ये 1 minute होने के लिए सेकंड वाले हैंड को पूरा राउंड कंप्लीट करना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे लाइंस कितने हैं, 60 lines है. जब सेकंड वाला हैंड पूरे 1 round कंप्लीट करेंगे 60 का, तब होता है 1 minute होता है. मत क्या होता है, 1 minute. इसलिए 1 minute इक्वल टू 60 seconds, इसलिए 1 minute इक्वल टू 60 seconds होता है. ओके, सो 1 पे है हैंड, मतलब 5 बज गए. देन 2 पे है मतलब 10, मतलब यहाँ पे क्या होता है, 5 का टेबल होता है. देन आफ्टर वी हैड लर्न द ईयर गिविंग टाइम, दैट टाइम वी आर पुटिंग द वैल्यू. मीन्स यहाँ पे दी है क्लॉक, दी है वहाँ पे टाइमिंग दिया है, हमने यहाँ पे कितना टाइम है वो निकाला था. देन टाइम इंटरवल, मतलब यहाँ पे टाइम दिया है, उनके दोनों के बीच में कितना इंटरवल है वो देखा है हमने. देन आफ्टर वी हैड लर्न द कन्वर्शंस ऑफ द टाइम. हमें पता है कि 1 day इक्वल टू कितना होता है, 24 hours होता है. एंड 1 hour इक्वल टू 60 minutes होता है. अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि 1 day में कितने आवर्स होते, तो हम क्या बोलेंगे, 24 hours होते हैं. एंड 1 hour इक्वल टू 60 minutes होते हैं. 1 hour इक्वल टू 60 मिनट. फिर हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, फॉर एग्जाम्पल 6 day है, 6 day को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है. तो 1 day इक्वल टू 24 hours होता है, 1 day इक्वल टू 24 hours होता है. तो हम 6 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 6 day में कितने आवर्स होते हैं वो निकालना है. 1 day इक्वल टू, हमें पता है कि 24 hours होता है. 1 day में कितने आवर्स होते हैं, 24 hours होते हैं. तो हमें 6 day का निकालना है, तो हम 6 के साथ 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि 6 day में कितने आवर्स होते हैं. तो कितना होता है, 124 hours होते हैं. देन उसके बाद AM एंड PM. AM एंड PM मतलब क्या होता है, रात के 12 बजे से सुबह के 11:59 तक हम लिखेंगे AM.
क्या लिखेंगे? एएम। एंड रात के 12 बजे, सॉरी दोपहर के मतलब आफ्टरनून के 12 बजे से नाइट के 11:59 तक हम लिखते हैं पीएम। क्या लिखते हैं? पीएम लिखते हैं। जब हम कभी मोबाइल पे हम क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, टाइम सेट करना पड़ता है। तो वहाँ पे लिख के आता है एएम पीएम। एएम मतलब क्या होगा, एएम एएम कब तक होता है, रात के नाइट के 12 बजे से 11:59 सुबह तक एएम आ जाएगा, और टू आफ्टरनून के 2 बजे, सॉरी आफ्टरनून के 12 बजे से नाइट के 11:59 तक क्या होता है, पीएम होता है। क्या होता है? पीएम होता है। एएम का मतलब एंटी मेरिडियन एंड पीएम का मतलब पोस्ट मेरिडियन होता है। फिर यहाँ पे हमने एएम और पीएम कहा आता है वो लिखा था। देन आफ्टर एक्सरसाइज 10.4 आल्सो वी हैड लर्न, यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले एग्जाम्पल दे, ठीक है। स्टोरी सम्स ऑन द टाइम्स, सम के यहाँ पे स्टोरीज थे, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और हमने क्या किया था, कुछ कन्वर्ट किया था। हमें पता था इस एग्जाम्पल में आया था 1 hours इक्वल टू 60 minutes होता है। हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल में ऐसे कन्वर्ट करके किया था। देन नाउ नेक्स्ट अवर टूडेज टॉपिक द कैलेंडर। सबको पता है कैलेंडर, हियर द कैलेंडर फॉर द ईयर 2017। यहाँ पे जो कैलेंडर दिया है वो है 2017 का। इट टेल्स अस द मंथ, यहाँ पे मंथ दी है, डे एंड डेट, यहाँ पे डे भी है और डेट भी है। डे कौन से है, संडे से लेकर सैटरडे तक ये डे है, एंड संडे से लेकर सैटरडे तक डेज है, और डे मतलब 1 से लेकर 31। तो कुछ मंथ में क्या आते हैं, 31 डेज आते हैं, कुछ मंथ में 30 डेज आते हैं, और फरवरी में 28 और 29 आते हैं। अगर लीपिक ईयर है तो 29 आता है। तो लीपिक ईयर है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी ईयर होगा मतलब जैसे 2017 है, अगर हमें निकालना है कि 2017 लीपिक ईयर है कि नहीं, तो उसके लिए हमें उसको 2017 को 4 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। 4 के साथ डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो लीपिक ईयर है, अगर वो रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो लीपिक ईयर नहीं होता है। तो यहाँ पे करके दिखाती, देखो 2017 है वो लीपिक ईयर है कि नहीं वो निकालना है, तो 4 को 2017 के साथ डिवाइड करेंगे। ओके, 4 यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे 4 5 20, यहाँ पे 1 1 नहीं होगा, डिवाइड 0 लिखेंगे 17, नियरेस्ट वैल्यू 4 6 16। देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो ये लीपिक ईयर है क्या, नहीं है। अगर नंबर टोटली 4 के साथ डिवाइड होता है, अगर नंबर 4 के साथ डिवाइड होता है तो वो क्या होता है, लीपिक ईयर होता है। जैसे 2016 है, 2016 को अगर 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे क्या है, 16 है, तो 4 4 16, 4 4 16, मतलब यहाँ पे क्या आ गया है, रिमाइंडर 0 आ गया है। अगर नंबर 4 के साथ टोटली डिवाइड होता है, अगर नंबर 4 के साथ टोटली डिवाइड होता है तो वो क्या होता है, लीपिक ईयर होता है। जैसे 2020 4 के साथ डिवाइड होता है तो वो लीपिक ईयर था, उस ईयर में फरवरी जो मंथ था वो कितने डे का था, 29 डेज का था। नॉर्मली हमारा होल ईयर कितने दिन का होता है, 365 डेज का होता है हमारा होल ईयर, 1 ईयर। ओके, लेकिन जिस साल में क्या होता है, लीपिक ईयर होता है, उस साल डेज हो जाते हैं 366 डे होते हैं, ठीक है। 1 ईयर कितने का होता है, 365 का होता है, 365 डेज होते हैं 1 ईयर में। 1 ईयर में कितने डेज आते हैं, 365 डेज आते हैं। लेकिन जिस साल लीपिक ईयर होता है उस साल 1 डे बढ़ जाता है, मतलब 366 डे हो जाते हैं। देखो, द लीप ईयर कम्स आफ्टर द एवरी फोर्थ मंथ,
लीप ईयर कब आता है? आफ्टर द एवरी फोर्थ मंथ. डिवाइड द ईयर बाय अ फोर. इफ यू देयर इज नो रिमाइंडर इट इज द लीप ईयर. अगर हम फोर के साथ डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर जीरो बचता है तो वो लीप ईयर होता है. 2008 डिवाइडेड बाय फोर. 2008 को फोर के साथ डिवाइड किया तो 502 आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया. देयर फॉर 2008 इज द लिपिक ईयर. उसके वजह से 2008 इज द लिपिक ईयर. 2020 को डिवाइड करके देखो एंड 2020 को आप डिवाइड करके देखो. दोनों ईयर को डिवाइड करके देखो, आपको वहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता है वो देखो और आपको पता चल जाएगा कि 2020 और 2021 ये दोनों लिपिक ईयर है कि नहीं है. इन द कैलेंडर पुट द करेक्ट ऑन द मंथ दैट हैव अ 30 डेज एंड ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द मंथ दैट हैव अ 31 डेज. जो डेज जो मंथ में 30 डेज आ रहे हैं वहाँ पे हमें टिक करना है और जहाँ पे 31 आ रहे हैं वहाँ पे सर्कल करना है. सो देखो ये क्या है, 31 डेज का है तो यहाँ पे हम सर्कल कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा सा सर्कल बना रही हूँ. यहाँ पे 28 है, ठीक है. देन मार्च, मार्च में कितना आता है, 31 आता है तो यहाँ पे भी सर्कल करेंगे. अप्रैल में कितने डेज आते हैं, 30 डेज आते हैं तो यहाँ पे हम राइट करेंगे. देन यहाँ पे कितने डेज आते हैं, 31 आते हैं तो यहाँ पे हम सर्कल करेंगे. नाउ लुक एट इन द जून मंथ. इन द जून मंथ हैव अ 30 डेज तो विल पुट हियर राइट. देन जुलाई मंथ 31 डेज तो हियर विल राइट द सर्कल. देन ये अगस्त, अगस्त आल्सो 31 डेज सो विल पुट हियर सर्कल. देन सप्टेम्बर इज द 30 डेज सो विल पुट राइट. देन ऑक्टोबर इज द 31 सो विल पुट सर्कल. नवंबर इज द 30 डे सो विल पुट राइट एंड हियर इज द सर्कल 31 डेज. सो हाउ मेनी डेज डज अ फरवरी 2017 में फरवरी में कितने डेज आए थे, 28 डेज आए थे. फरवरी हैज़ अ 28 और 29. जिस ईयर लिपिक ईयर होता है उस ईयर जो फरवरी मंथ होता है वहाँ पे 29 डेज हो जाते हैं और बाकी मंथ के जो डेज होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, वहाँ पे चेंज नहीं होता है. सिर्फ फरवरी में क्या होता है, 28 के जगह पे 29 डेज हो जाता है जब लिपिक ईयर आता है. इट हैज़ अ 29 डेज इन द लीप ईयर एंड 28 डेज इन द अदर ईयर. 29 डेज आर द लीप ईयर एंड अदर इज द 28. लीप ईयर में 29 होते, अदरवाइज 28 होते. हाउ मेनी डेज आर देयर इन द लीप ईयर. लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, हाउ मेनी डेज आर द लीप ईयर. 360 डेज होते हैं लीप ईयर में. ओके, यहाँ पे ड्रॉ अराउंड द लीप ईयर. लीप ईयर को हमें यहाँ पे राउंड करना है. ठीक है, तो ये आपको करके देखना है. मैं यहाँ पे राउंड करके दे रही हूँ. 2012 लीप ईयर आता है, 2016 आता है एंड 2020 लीप ईयर आता है. अगर आप देखोगे ध्यान से तो आफ्टर 3 ईयर लीप ईयर आ रहा है, मतलब 1 2 3 3 ईयर के बाद फोर्थ वाले ईयर में लीप ईयर आ रहा है. 1 2 3 3 ईयर के बाद फोर्थ वाले इसमें लीप ईयर आता है. अभी 2020 में लीप ईयर आ गया था, अभी डायरेक्ट लीप ईयर कौन से साल में आएगा, 2024 में लीप ईयर आएगा. मतलब उस साल फरवरी में कितने डेज आएंगे, 29 डेज आएंगे. यू कैन यूज द फर्स्ट फाइंड द नंबर डेज इन द डिफरेंट मंथ. होल्ड यूर फर्स्ट शो काउंट अ मंथ फ्रॉम द फर्स्ट एक्नॉल ऑन द लेफ्ट. देन द मंथ ऑन द नेकलॉक हैव अ 31 डेज. द मंथ इन द डीप दैट अ 30 डेज एक्सेप्ट फरवरी. देखो यहाँ पे ये लिया है. अभी यहाँ पे हम निकालेंगे कि हमारी जो हैंड होते हैं उसके अंदर हम निकालेंगे कि कौन से महीने में, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब जहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट्स होता है वहाँ पे आता है 31 डेज और नीचे वाला आता है 30 डेज. क्या आता है, 30 डेज. तो ये क्या है, 31 डेज है. ये 30, ये फरवरी सिर्फ 28 का होता है. देन मार्च होता है 31 का, अप्रैल होता है 30 डेज का. देन
उसके बाद मई होता है 31 डे का, जून कब होता है 30 डेज का, जुलाई होता है 31 डेज का, ये हो गया हमारा हैंड। अब ये हैंड पे अगस्त, अगस्त देखोगे तो 31 का होता है सितंबर होता है, 30 डेज का अक्टूबर, 31 नवंबर 30 डे एंड दिसंबर 31, ये आप आपके हैंड पे करके देखो दोनों भी। देन नाउ लेट्स वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 10.5 ए, राइट डाउन द डेज ऑफ द वीक वीक इन ऑर्डर। ठीक है, हमें यहाँ पे वीक लिखना है, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको ऑर्डर में वीक के डेज लिखने हैं। मतलब सबसे पहले क्या आता है, कहाँ से स्टार्ट होगा, मंडे से लेकर आप संडे तक स्पेलिंग लिखने हैं, और यहाँ पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक स्पेलिंग लिखने हैं, ये दोनों भी आपको होमवर्क है। नाउ यहाँ पे कन्वर्शंस ऑफ द टाइम, अ मंथ मे हैव अ 28, 29, 30 और 31 डेज, बट वाइल द कन्वर्टिंग मेंट इनटू द डे वी विल टेक। कोई मंथ में 28 डेट डे आते हैं, 29 आते हैं, किसी में 30 डेज आते हैं, 31 आते हैं, लेकिन जब हमें कन्वर्ट वाले एग्जाम्पल सॉल्व करने होते हैं तब 1 मंथ इक्वल टू हम 30 डेज काउंट करते हैं। कितने डेज का काउंट करते हैं, 30 डेज काउंट करते हैं, एंड 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज कन्वर्ट कर काउंट करते हैं। कन्वर्ट 6 मंथ इंटू द डेज, 6 मंथ को हमें डेज में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज होता है, तो 6 मंथ को जब हमें कन्वर्ट करना है तब हम क्या करेंगे, 6 को 30 डेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 30 डेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 180 डेज आता है। कितने आते हैं, 180 डे आते हैं। एंड 1 वीक में कितने आते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 8 वीक में कितने डेज आते हैं, 8 वीक में कितने डेज आते हैं, हमें पता है कि 1 वीक इक्वल टू 7 डेज होते हैं। क्या होते हैं, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज आते हैं, तो हम 8 को क्या करेंगे, 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 56 आ गया है। देन हाउ मेनी डेज इन द इन 2 ईयर, 2 ईयर में कितने डेज आते हैं, हमें पता है कि 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ 365 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 730 डेज आ जाएंगे। नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन एक्सरसाइज 10.6, कन्वर्ट द डे। ठीक है, यहाँ पे हम डेज को कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले है एग्जाम्पल 4th मंथ, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, 4th मंथ है, एक्सरसाइज 10.6 ए क्वेश्चन में से पहला। ओके, 4th मंथ हमें पता है कि 1 मंथ इक्वल टू कितने डेज होते हैं, 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, कन्वर्ट द डेज, डेज में कन्वर्ट करना है, 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज होता है, तो हमें 4th मंथ में कन्वर्ट करना है, 4th मंथ में कितने डेज आते हैं वो करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 डेज के साथ, 4 को 30 डेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डेज, 120 डेज, मतलब 4th मंथ में कितने, 4th मंथ में कितने डेज आएंगे, 120 डेज आ जाएंगे। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। देन एग्जाम्पल नंबर 2, 6 मंथ, 6 मंथ है, हमें पता है कि 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज। अभी हमें हमें पता है कि 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज होता है, अभी हमें 6 मंथ में कन्वर्ट करना है, तो 6 × 30 डेज, तो 6 × 3 = 18 एंड 0 = 180 डेज, तो 6 मंथ में कितने डेज आएंगे, 18 डेज आ जाएंगे। देन एग्जाम्पल नंबर, देखो अभी होमवर्क दे रही हूँ आपको, एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपको होमवर्क है। ओके, अभी 9 से मैं कर रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 9, ये भी सेम है, 9 मंथ है, 9 मंथ्स, हमें पता है कि 1 मंथ
इक्वल टू 30 days। अभी हम क्या करेंगे, 9 month को डेज में कन्वर्ट करेंगे। सो 9 into 30 days, 9 into 13 days 27, 9 into 3 27, 0 127, 270 days आ जाए। कितना आ गया, 270 days आ जाए। देन टेन नंबर में है 10 months। सेम, सब में सेम ही प्रोसीजर। हमें पता है कि 1 month इक्वल टू 30 days। हमें 10 month का निकालना है, 10 months इक्वल टू 10 into 30 days, तो कितना आ जाएगा, 300 days। 10 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 days आ जाएगा। देन उसके बाद एग्जांपल नंबर 11 months। हमें पता है कि 1 month इक्वल टू 30 days। अभी 11 month को कन्वर्ट करना है 30 days में, तो 11 into 30 days कितना आ जाएगा, 330 days, 330 days आ जाएंगे। देन 12 नंबर में 20 months है, सेम प्रोसीजर, 1 month इक्वल टू 30 days। 1 month मतलब 30 days होते हैं। अभी क्या करेंगे, 20 months, 20 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 days। तो 20 month इक्वल टू 600 days हो गया। सो दिस इज एग्जांपल नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, कन्वर्ट इनटू द डेज। यहाँ पे वीक दी है, उसको कन्वर्ट करना है किस में, डेज में। हमें पता है कि 1 week इक्वल टू 7 days होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जांपल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर बी में एग्जांपल नंबर 1, 7 weeks। हमें पता है कि 1 week इक्वल टू 7 days। 1 week में कितने डेज आते हैं, 7 days आते हैं। अभी हमें क्या करना है, 7 week को कन्वर्ट करना है। 7 weeks इक्वल टू 7 into 7 days, 7 into 7 days कितने हो जाएंगे, 49 days। मतलब 7 week में कितने डेज आ गए, 49 days आ गए हैं। देन सेकंड नंबर में क्या है, 8 weeks, सेम इस तरह ही करना है। 1 week इक्वल टू कितने डेज होते हैं, 7 days होते हैं। हमें पता है 1 week इक्वल टू 7 days होते हैं। अभी 8 week का कन्वर्ट करना है, 8 weeks इक्वल टू 8 into 7 days, 8 into 7 56 days। इसका आंसर कितना आ गया, 56 डे आ गया। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ये आपको होमवर्क है, और एग्जांपल नंबर 12 ये भी आपको होमवर्क है, ठीक है। अभी 9, 10, 11 ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एग्जांपल नंबर 8, 10 week। तो हमें पता है कि 1 week इक्वल टू 7 days। अभी 10 weeks का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 10 को 7 days के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 days। कितना आ गया, 70 days। देन 9th में क्या है, 15 weeks। अभी क्या करेंगे, 1 week इक्वल टू, पता है हमें 1 week इक्वल टू 7 days होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 15 weeks है उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो कितने हो जाएंगे, 7 15 7 सा 105 डेज, कितना आ जाएगा, 105 डेज आ जाएगा। देन एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10, 52 वीक्स। अभी हम क्या करेंगे, हमें पता है 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। हम क्या करेंगे, 52 वीक्स को, 52 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 52 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 14, 1 इज़ द कैरी, 7 5 7 35 एंड 36, कितने आ गए हैं, 364 डेज। मतलब 52 वीक्स इक्वल टू कितने डेज हो गए, 364 डेज हो गए हैं। देन 11 नंबर का, यहाँ पे देखो ईयर है, हमें पता है 3 ईयर है, हमें पता है कि 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। 1 ईयर इक्वल टू कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। अभी हमें 3 ईयर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 3 को 365 डेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी 365 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 15, 1 इज़ द कैरी, 3 × 6 18, 19, 1 इज़ द कैरी, 3 × 3 9 एंड 10, तो कितने आ गए हैं, 1095 डेज। 3 ईयर में कितने डेज आते हैं, 1095 डेज आते हैं। देन एग्जाम्पल नंबर 12, ये होमवर्क है, ये सेम है, ठीक है, सेम यहाँ पे जो ईयर का किया हमने 3 ईयर का, उसके तरह सेम है, तो आपको इस तरह ये 5 ईयर का करना है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 10.6। देन मैथमेटिक्स ए एंड बी, ये दोनों भी आपको होमवर्क है, आपको सॉल्व करके इसका फोटो निकाल के मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, और ये आपको आपके नोटबुक में लिखना है। कहाँ लिखना है, नोटबुक में लिखना है मैथमेटिक्स ए एंड मैथमेटिक्स बी। देन लेसन नंबर 11 मेजरमेंट, दिस यू विल बी सी इन अवर नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।